कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 30 सालों तक सपा बसपा व भाजपा की सरकारें रही हैं, लेकिन प्रदेश में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। अजय कुमार लल्लू आज सुल्तानपुर में थे और कांग्रेस के ब्लॉक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन नगर के एक होटल में किया गया था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति को पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बसपा सपा नूरा कुश्ती खेल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 30 सालों तक सपा बसपा और भाजपा की सरकारें रही हैं। इन 30 सालों में प्रदेश में ना तो रोजगार दे पाए हैं और ना मध्यवर्गीय व्यापारी इंफ्रास्ट्रक्चर या चिकित्सा के क्षेत्र में कहीं भी विकास का काम हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। उन्होंने आज ब्लॉक स्तर के कांग्रेसी नेताओं को प्रशिक्षण के दौरान जीत के टिप्स दिए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। दलित विरोधी है, इससे कोई बड़ी पार्टियां समझौता नहीं करना चाहती, सर्वभुक्तभोगी हैं, क्या कहेंगे इसको सर आप? देखिए, ये बसपा सपा नूरा कुश्ती खेल रही है, विश्वास खो चुके हैं। 30 वर्षों तक भाजपा बसपा और सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, न रोजगार मिला, न उद्योग लगे, न विकास हुआ, न मध्यम वर्गीय व्यापार किसी तरह का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या स्वास्थ्य में, सुरक्षा में, शिक्षा में कोई बड़े व्यापक रूप से आमूलचूल परिवर्तन होता। मैं समझता हूँ ये तीनों के जाने का समय आ गया है। 2022 में कांग्रेस आ रही है। जिला पंचायत का अभी अमेठी सुल्तानपुर में आपको कोई प्रत्याशी नहीं, रायबरेली में, उसको आप कैसे देखते हैं कि एक सीट के लिए मारामारी, क्या आप जीत जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल जीतेंगे और बहुत मजबूती के साथ जीतेंगे।